हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आज जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये मामला छत्तीसगढ़ से है। आज इसकी सुनवाई हो रही थी। सुनवाई में क्या चीजें हुई हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि केस डिसमिस हो गया है। इस चीज को भी क्लैरिफाई करेंगे, केस डिसमिस हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही साथ लाइव अपडेट हम अभी आपको बताने वाले हैं कि कोर्ट रूम में क्या क्या चीजें चली है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हर लाइव अपडेट इस केस से रिलेटेड या बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। सबसे पहले कोर्ट रूम का सिनारियो देखिए। कोर्ट रूम में जो है आपको ये दोनों जस्टिस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको पटवालिया सर, इनके बीएड के जो एडवोकेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम मैं बात करती हूं तो यहाँ पे मनदीप कालरा सर और डीएलएड के एडवोकेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये कोर्ट रूम का सिनारियो है। जैसे ही केस स्टार्ट होता है वैसे ही डिसमिस डिसमिस की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसी डिसमिस को सुन करके बहुत सारे लोगों को लगा कि केस डिसमिस हो गया। ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली में बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला इतना ज्यादा खींच गया है कि जैसे ही ये किसी भी जस्टिस के कोर्ट में जाता है तो वहां पर ये चीजें हो जाती है। ठीक है, ये एक मजाकिया जो है चीज था, कोई बात नहीं, लेकिन डिसमिस केस नहीं हुआ है, याद रखो। यहाँ पर ये भी बात हो रही थी, पेटिशनर और काउंसिल दोनों को डिसमिस किया जा रहा है, ये सारी चीजें चल रही थी, बट केस डिसमिस नहीं हुआ है। केस हुआ क्या है? तो केस हुआ है पास ओवर। केस हुआ है पास ओवर। होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, पास ओवर का मतलब होता है कि जिसमें एडवोकेट्स जो है वो टाइम लेते हैं। तो इस पास ओवर में जो है जो एडवोकेट्स हैं डीएलएड की तरफ से, उन्होंने टाइम लिया है। आई थिंक उनको कुछ अपना पर्सनल काम, कुछ और काम, सॉरी नॉट पर्सनल, लेकिन यस कुछ और काम आ गया जिसकी वजह से जो है टाइम लिया गया है। मनदीप कालरा सर की तरफ से जो है बोला जा रहा है कि पास ओवर का करवाया गया है और ये केस अभी फिर से सुना जाएगा। टाइमिंग इसकी जो है क्या हो सकती है, इस पे जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 12:30 तक जो है इसकी सुनवाई फिर से हो सकती है या फिर लंच बाद इसकी सुनवाई हो सकती है। ये दोनों जो है टाइमिंग इसमें आ रहा है, इन दोनों टाइमिंग में सुनवाई कभी भी होगी। तो डिसमिस बिल्कुल नहीं हुआ है, केस पास ओवर हुआ है। ग्राउंड मैंने आप लोगों को जो है बताया ही था कि ग्राउंड छत्तीसगढ़ का जो है प्रोस्पेक्टिव वाले मामले को लेकर के चलेंगे कि 11 अगस्त के फैसले को प्रोस्पेक्टिव लागू किया गया है। मतलब 11 अगस्त 2023 के बाद जिनकी भी भर्तियां हुई हैं उनको जो है नहीं लिया जाना है, लेकिन उसके पहले जिसका भी रिक्रूटमेंट हुआ है, नियुक्ति हुई है, वो लोग सेफ हैं विथ कुछ कंडीशन जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला कंडीशन है। तो इस मामले को जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी जो है ग्राउंड बना रहे हैं। वो उनका ग्राउंड जो है ये है कि प्रोस्पेक्टिव अगर ये नेचर में है डिसीजन 11 अगस्त का, तो उनका जो प्रोसेसिंग है, पूरा टीचिंग प्रोसेस है, वो पहले से स्टार्ट हो चुका था। एग्जामिनेशन से लेके वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आ चुकी थी। तो उसके बाद से सिर्फ रिक्रूटमेंट इनका बाद में हुआ है, तो इनको जो है कंसीडर किया जाना चाहिए। यही मामला को लेकर के जो है छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी गए हैं। डीएलएड के अभ्यर्थी बिल्कुल इसको जो है अपोज करेंगे और उनका यही कहना है, कहेंगे भी और प्रूव करेंगे कि ये पूरी तरीके से जो छत्तीसगढ़ का मामला है रेट्रोस्पेक्टिव है। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव मामला है, सॉरी छत्तीसगढ़ का मामला जो है 11 अगस्त 2023 के बाद जो है रिक्रूटमेंट हुआ है, तो ये पूरी तरीके से जो है इनका इस फैसले के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है, तो इनका नहीं होना चाहिए। यही सारी चीजें जो है चलने वाली है। जैसे ही स्टार्ट होगी केस की सुनवाई, फिर से हम बिल्कुल आपको अपडेट देंगे। तो इस तरह के बहकावे में या इस चीजों में मत रहिए कि केस डिसमिस हुआ, ये हुआ। जब भी जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता रहेगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। फिलहाल का अपडेट फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं, पास ओवर हुआ है केस, यानी कुछ टाइम के बाद इसकी सुनवाई होगी और ये 12:30 बजे से होगी। ये उम्मीद ऐसा लग रहा है, या फिर लंच के बाद होगी। तो जैसे अपडेट आता है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर एवरीवन।